नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अपना 56 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अपने 55 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उनको किसी ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ फोल्डर बना हुआ है तो आप वहाँ जाके मॉडल पेपर देख सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा नज़दीक है तो तैयारी में लगे रहिए। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ठाकुर कुशाल सिंह ने दोस्तों पराजित किया था, जिसमें जोधपुर के तो महाराजा थे तख्त सिंह और अंग्रेज कैप्टन थे वो थे हीथकोट। तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट की सेना को आउवा के पास बिथोड़ा में हराया था। 8 सितंबर 1857 को हराया था, ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह ने। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सेकेंड नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोरावर सिंह, बरेली जेल। तो दोस्तों, ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, अर्जुन लाल सेठी को है ना, तो इसमें वेलूर जेल के अंदर नज़रबंद करके रखा गया था, ठीक है, 1920 में। बाद में इनको छोड़ दिया गया था। और विजय सिंह पथिक को दोस्तों टोटगढ़ जेल में बंद करके रखा गया था। बाद में दोस्तों इन्होंने वीर भारत सभा का गठन भी किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर तीन नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो सुमेलित करना है। एक तरफ है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित करना है। दोस्तों, इसके अंदर देखो आंदोलन घटनाएँ, और दूसरी तरफ है आंदोलन घटनाओं के प्रारंभ होने का वर्ष। तो दोस्तों, सबको आना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। तो इसमें देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1897 में, ठीक है। और डाबड़ा कांड का भी दोस्तों सबको पता होगा, तो डाबड़ा कांड हुआ था कब? 1947 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब देखो, और इसके अंदर सीकर, तो दोस्तों सीकर वाला जो कांड हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1922 में। कब हुआ था सिक्कर का जो कांड है वो? दोस्तों 1922 में हुआ था, ठीक है। और चंडावल का कांड हुआ था ये 1945 में। कब हुआ था? 1945 में हुआ था दोस्तों। बिजोलिया 1897 में, सिक्कर में हुआ था दोस्तों 1922 को, डाबड़ा में हुआ था 1947 को, और चंडावल में हुआ था 1945 को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4321 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे बिजोलिया है, जो बिजोलिया जो इसकी स्थापना थी, इसकी स्थापना अशोक परमार ने की थी, ठीक है। और वर्तमान में ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। तो इसका 4321 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंबर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो दोस्तों, जो गुहिल वंश था इसके ब्राह्मण होने के सिद्धांत के विरुद्ध कौन सा विद्वान कहता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है GH ओझा, यानी कि पंडित गौरी शंकर ओझा, ठीक है। ये बताते हैं दोस्तों, सूर्यवंशी बताते हैं इनको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, तो क्या आता है? तो वो आता है दोस्तों राजपुरुष, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सिक्स नंबर प्रश्न है, इसके अंदर देखो, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो दोस्तों, कितनी बार भेजा था? तो 3 बार भेजा था, सबको पता होना चाहिए, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सात नंबर प्रश्न है, इसके अंदर देखो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना
कौन से वर्ष हुई थी? तो ये तो दोस्तों 1919 में हुई थी, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी वर्धा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और फिर 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, याद रखना आपको। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो दो युद्ध लड़े गए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। एक लड़ा गया था 1191 में, दूसरा 1192 में। तो दोस्तों दो युद्ध लड़े गए थे, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये 9 प्रश्न है दोस्तों, ये गलत है। 10 नंबर में चलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 9 नंबर को छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातलीय सजावट की पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? तो दोस्तों किसमें है धरातलीय सजावट की पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक है। ये देखो नूरजहाँ द्वारा अपने पिता की स्मृति में आगरा में एतमादुद्दौले का मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम पीतरा ड्यूरा धरातलीय सजावट का प्रयोग किया गया था। इसके अंदर यह चतुर्भुजाकार बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बनाया गया है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11 नंबर, इसके अंदर देखो अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष दो बार कौन हुआ? अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में दो बार अध्यक्ष कौन बना है, ये अपन को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादाभाई नेहरूजी, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, गांधी से हुए पूना समझौता यानी कि पैक्ट, पूना पैक्ट है, ठीक है। गांधी से हुए पूना पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, अंबेडकर ने किए थे। 25 सितंबर 1932 को किया था दोस्तों ये समझौता, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 13 प्रश्न है, इसके अंदर देखो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो सूरत विभाजन है ये दोस्तों किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये 23वां अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें विभाजन हुआ था 1906 में कोलकाता में। कांग्रेस के 23वें अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसका अध्यक्ष था डॉक्टर रास बिहारी घोष, ठीक है, जिसमें कांग्रेस का विभाजन गरम दल व नरम दल में हो गया था, ठीक है। और नरम दल का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने का प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? तो वो किया था दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने किया था, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? तो रत्न सागर क्या था? तो दोस्तों पुस्तकालय था, ठीक है, पुस्तकालय था जिसमें मतलब विशिष्ट संग्रह विशेष रूप से हस्तलिखित पांडुलिपियों के लिए ये प्रसिद्ध था। और ये नालंदा के इस पुस्तकालय को धर्मराज भी कहते थे। यह पुस्तकालय 9 मंजिला है, ठीक है, और इसमें 3 विशाल भवन है। इसमें एक है रत्न सागर, दूसरा है रत्नोदी और तीसरा है रत्न रंजक। ये 3 है इसके अंदर, ठीक है, 3 विशाल भवन जिसमें रत्न सागर की अभी बात हो गई अपनी। ये पुस्तकालय है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी 60, 30, 20, 15 के अगले दो पद हैं, तो अगले दो पद कौन से होंगे वो अपने को इसमें बताना है, यानी कि 15 के बाद में क्या आएगा उसके बाद में क्या आएगा। तो इसमें देखो 60 फिर 30 फिर 20 और फिर 15 है। तो इसमें देखो इसका 1/2 करेंगे, ठीक है, 60 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब आगे देखो 30 का 2/3 करेंगे, 30 का 2/3 करेंगे तो आ जाएगा 20, और 20 का 3/4 करेंगे तो आ जाएगा 15। और दोस्तों अब देखो 4/5 करना है और 5/6 करना है, ठीक है। तो ये ऊपर सीरीज चल रही है 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे चल रही है 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 1/2 फिर 2/3 फिर 3/4 फिर 4/5 और 5/6। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा इसका राइट आंसर 12 और 10 आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17 नंबर प्रश्न, इसके अंदर देखो
दिए गए चित्र में सिर्फ रेखाओं पर कम से कम दूरी से चलते हुए ए से बी तक कितने प्रकार से पहुंच सकते हैं। तो ए से बी तक अपन कितने प्रकार से पहुंच सकते हैं, तो दोस्तों इसमें देखो अपन ऐसे भी जा सकते हैं, एक बार यूं चले गए, दो, तीसरी बार दोस्तों यूं चले गए, ठीक है, चौथी बार दोस्तों यूं जाके यूं चले गए, पांचवी बार दोस्तों अपन यूं जाके यूं चले गए, और छठी बार दोस्तों अपन यूं जाके यूं चले गए, ठीक है। तो छः बार जा सकते हैं अपन को बी तक पहुंचना है, कैसे भी कितनी बार पहुंच सकते हैं, दोबारा क्रॉस नहीं करना, ठीक है। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18 नंबर प्रश्न, इसमें देखो रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है, तो रमेश का लड़के से क्या संबंध हुआ। तो दोस्तों इसमें देखो कुछ नहीं करना, रमेश ने कहता है कि यह लड़की है वो, ये दोस्तों रमेश है, ठीक है, रमेश कहता है कि यह लड़की मेरे माता यानी कि इसकी माता के पोते का मतलब इसका बेटा, ठीक है, इसका बेटा और इसके बेटे की पत्नी, ठीक है, यानी कि उसका क्या लगा, इसके बेटे की पत्नी दोस्तों रमेश ससुर लगा, ठीक है। अब देखो पत्नी कौन है, ये है, तो रमेश का लड़के से क्या संबंध है, तो रमेश का लड़के से क्या संबंध है, लड़की से, दोस्तों यहाँ पे लड़की है, ठीक है, तो लड़की से क्या संबंध है, तो इस लड़की का पूछ रहा है, तो ये इस रमेश के बेटे की बहू हो गई तो इसका ससुर लगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ससुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19 प्रश्न, इसके अंदर देखो हितेश जया से अमीर है, ये दोस्तों जया से अमीर हो गया, मोहन प्रीतम से अमीर है, ललित जया जितना ही अमीर है, यानी कि ललित है वो जया जितना ही अमीर है, तो ये ललित कर दिया यहाँ पे, अमित हितेश से अमीर है, तो ये अमित इससे अमीर है। अब इसमें बताना है अपने को, तो इसमें देखो दोबारा देखो इस प्रश्न को, हितेश जया से अमीर है, तो हितेश है ये जया से अमीर है, मोहन प्रीतम से अमीर है, तो मोहन है वो प्रीतम से अमीर है, ललित जया जितना ही अमीर है, तो ललित है वो जया जितना ही अमीर है, उपयुक्त कथनों में से निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकने वाला निर्णय है, तो कौन सा निर्णय है वो अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो ललित हितेश से गरीब है, तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20 नंबर प्रश्न, इसमें देखो यदि x तथा 1/x का माध्य m हो तो x³ तथा 1/x³ का माध्य है, तो इसका माध्य क्या होगा वो अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है m कोष्टक में 4m² - 3, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 21 नंबर प्रश्न, इसमें देखो अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन 10,000 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के समूह का 15,000 रुपये है, यदि उन समूह का संयुक्त औसत 12,000 रुपये हो तो कुल श्रमिकों का प्रतिशत होगा, तो कुल कितना होगा। तो दोस्तों इसके अंदर देखो एक समूह अकुशल श्रमिकों का एक समूह का औसत वेतन कितना है 10,000 और कुशल श्रमिकों का है कितना 15,000, यदि उन समूह का औसत वेतन है वो 12,000 रुपये, तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत कितना होगा वो अपने को इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखो इसमें 15,000 हो जाएगा, ठीक है, 15,000, तो इसमें अपन ए मान लेंगे अकुशल का, ठीक है, 15,000 × a + 10,000 हो जाएगा दोस्तों ये अकुशल का, ठीक है, तो 10,000 इसका मान लिया और प्लस इसमें सॉरी इनटू बी कर दिया और बराबर क्या कर दिया 12,000 a + b कर दिया,
तो इसमें दोस्तों अनुपात इतना इनका निकल जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा 2:3। तो इसमें 2:3 कितने हो गए, तो 2/5 हो गए, सॉरी 5 हो गए इनका टोटल। तो 2/5 यानी कि कुशल श्रमिकों का अपने को निकालना है, तो 2/5 × 100 और 200 जाएंगे, 200 में अपन 5 का भाग देंगे तो 40% आ जाएगा दोस्तों। नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 22 प्रश्न है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 30 तथा 28 हो तो मोड बहुलक है। तो दोस्तों मोड बहुलक अपने को ज्ञात करना है, तो बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। तो इसमें देखो यहाँ पे बहुलक बराबर बहुलक ज्ञात करना है, तो इसमें देखो 3 × 28 माइनस 2 × 30। तो दोस्तों 84 में से 60 गए तो कितना बच जाएगा, तो 24। तो बहुलक मोड हो जाएगा कितना, 24। नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नंबर 23 नंबर प्रश्न है, कच्चे माल श्रम प्रत्यक्ष उत्पादन तथा अन्य शीर्षकों के अंतर्गत एक माह में चीनी की लागत क्रमशः 12, 20, 35 तथा 23 यूनिट है। तो चीनी की लागत के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे प्रखंड के लिए केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर होगा। तो केंद्रीय कोणों का बीच के अंतर क्या होगा, तो इसमें देखो इसमें एक यूनिट बराबर अपने को हो जाएगा 4 डिग्री, ठीक है। 360 बटन ये इनको टोटल करेंगे तो ये 90 हो जाएगा दोस्तों। तो 4 डिग्री हो जाएगा एक यूनिट का, ठीक है। तो इसमें इसमें सबसे बड़े प्रखंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्रखंड है अपने पास 35। तो 35 को 4 से गुणा करेंगे, 35 × 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 140। और सबसे छोटे प्रखंड कौन सा है, तो वो है 12। तो 12 को अपन से 4 से गुणा करेंगे तो 12 × 4 कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48। तो 48 इसमें से माइनस करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 92। तो 92 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 24 नंबर प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या को या उनके अंकों के योग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने से प्राप्त की जा सकती है, या उसके अंकों का अंतर 13 से गुणा कर 2 जोड़ने से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें देखो 8 से गुणा करना है और उसमें 1 जोड़ने पर प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसमें देखो 8 कौन से किसका हो रहा है, तो इसमें देखो दोस्तों ये 41 है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखो एक संख्या को या उसके अंकों के योग को अंकों के योग से गुणा करना है, तो ठीक है, तो उसमें 1 जोड़ना है। तो इसमें देखो 4 और 1 है, तो ये अपन 4 कितने हो गए, 5, और 5 को दोस्तों अपने को 8 से गुणा करना है, तो 8 × 5 = 40 प्लस 1 करना है तो 41 हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो 41 तो आ गया, अब इधर दोबारा और चेक करना है। इसमें देखो कि 13 से गुणा कर, ठीक है, 13 से गुणा कर 2 को जोड़ने पर जो संख्या है अपने पास 41, इसका अंतर को, इसका अंतर कितना हुआ, तो इसका अंतर हुआ 3। तो 3 को 13 से गुणा करने पर, सॉरी 3 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 39, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 41। तो दोस्तों अपना नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों तरफ से अपने को इसमें करना था। नेक्स्ट है, 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या है तो कितनी है, तो दोस्तों वो 25 है, ये तो सबको पता होगा 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 26 नंबर प्रश्न, एक घनाब की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 20 सेमी है तथा विकर्ण की लंबाई 6 सेमी है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें संपूर्ण पृष्ठ का अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें सूत्र लगा लेंगे दोस्तों, वो है 2LB + BH + LH, ये सूत्र लगेगा दोस्तों इसके अंदर, और इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है 184 सेमी, ठीक है, 184 वर्ग सेमी स्क्वायर। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 27 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एक अर्धगोला बेलन तथा एक शंकु के आधार बराबर तथा ऊंचाई के बराबर है, इनके आयतनों का अनुपात है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें दोस्तों एक तरफ तो अपने को आयतन अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाना, दूसरी तरफ बेलन का आयतन, तीसरी तरफ शंकु का आयतन, 3 सूत्र लगाने हैं यहाँ पे, और फिर इनको काटना है, तो इनको काटेंगे तो दोस्तों 2:3:1 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 2:3:1। नंबर
ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 28 नंबर प्रश्न, इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? तो दोस्तों स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रियोपयोगी ये हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, ये अशुद्ध है, अशुद्ध है, ठीक है, स्त्री प्लस उपयोगी तो स्त्रियोपयोगी हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 29 नंबर, तो इसमें देखो इसमें दोस्तों इसमें देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नंबर 28 नंबर प्रश्न का अधि प्लस अधीन, तो अत्यधीन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका स्त्री प्लस यो उपयोगी, ये दोस्तों शुद्ध है, ठीक है, ई ई उसे यू बन रहा है, ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नंबर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 29 नंबर, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो परा उपसर्ग दोस्तों पराधीन के अंदर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है, तो वो है दोस्तों कवित्री, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 31 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया दोस्तों पक्षी उड़ रहा है इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें देखो नंबर 32 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा खाली स्थान में, तो इसमें देखो आई डोंट नेसेसरली वांट टू ए क्रिसिस बट आई हैव सम बैड न्यूज टू टेल यू ऑल, तो दोस्तों इसके अंदर आ जाएगा वो है नंबर डी ऑप्शन प्रिसिपेट, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 33 नंबर प्रश्न है, दीज क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड चेंज टू एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में इसमें चेंज करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों समबडी हैज टू वॉश दीज क्लॉथ्स, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 34 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम, तो इसमें देखो टू सक्सेस इन लाइफ पे हीड टू बाथ सॉरी बोथ फ्रेंड एंड, इसमें आ जाएगा दोस्तों टू सक्सेस इन लाइफ पे हीड टू बाथ फ्रेंड्स एंड, तो इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों वो है फोइस, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 35 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है इसमें, ठीक है, तो यो ही वॉज वेरी इल लास्ट ईयर बट थैंक्स गुडनेस ही पुल्ड, इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों वो है थॉट, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। नंबर 36 नंबर प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्नांकित कथनों पर अपने को विचार करना है, तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है, तो इसमें देखो इसकी अवधि 2012-13 से 16-17 तक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है इसकी जो ये कथन है बिल्कुल सही है। और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर इसका मुख्य भाव थीम तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास है, बिल्कुल सही है। इसके दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर का लक्ष्य करीबन 9% था, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रारूप योजना में उक्त संवृद्धि दर को करीबन 8% संशोधित किया गया है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयोग कथन में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सारे के सारे सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट, जैतापुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है दोस्तों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट नंबर 38 नंबर प्रश्न, इसमें देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नांकित महानगरों को अवरोही क्रम में घटते हुए व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों इसकी सर्वाधिक जनसंख्या वाला सबसे पहले मुंबई,
जिसकी जनसंख्या 184.14 लाख है। और उसके बाद में दोस्तों, ठीक है, उसके बाद में दिल्ली, उसके बाद में नंबर दूसरे पे दिल्ली, और तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों वो है कोलकाता, तीसरे नंबर पे कोलकाता। तो 3-2-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 39 नंबर प्रश्न। तो इसमें देखो, हाल ही में बांग्लादेश की तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी? तो दोस्तों शेख हसीना बनी है तीसरी बार प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है? तो किस सरकार ने किया है? तो वो मध्य प्रदेश ने किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो नंबर 41 नंबर प्रश्न, हाल ही में महिलाओं की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी दोस्तों कहाँ पर? ओडिशा में। कहाँ पर आयोजित की गई थी ये? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो, हाल ही में नॉर्मल गिम्बेल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो दोस्तों कौन थे? ये पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सुधीर भार्गव को नियुक्त किया गया है नया मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो, हाल ही में किसे ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है किसको? स्मृति मंदाना को, स्मृति मंदाना को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के नए हॉस्पिटल को गिनीज बुक के नाम से दर्ज किया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना के एक हॉस्पिटल है जिसका गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 46 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो, देखो क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में 20 मिनट तक डुबोकर रख दिया जाता है? तो दोस्तों क्या होता है तब? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। तो दोस्तों नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 47 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, तो इसका देखो, वह बल, वह उस बल से अधिक होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, वह उस बल से कम होता है जिससे जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, वह बल दोनों के बीच के दूरी के अनुसार बदलता है। तो दोस्तों उपयुक्त कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 और 4 सही है दोस्तों, इसके अंदर 3 और 4 सही है, बाकी के दोस्तों इसमें गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी ऑप्शन, ठीक है, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है? तो दोस्तों कौन सी बीमारी है वो वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है? तो दोस्तों इस उत्तर का, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कौन से कथन सही है वो अपने को इसमें बताने हैं, तो मैं आपको इसमें डायरेक्ट इसमें बता देता हूँ कि कौन सा कथन इसका सही है। तो इसमें देखो, जैव विविधता संबद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 बिल्कुल सही है। नंबर 50 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर अपन को विचार करना है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो इसमें देखो,
एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयला ऊष्मा के स्रोत हेतु उपयोग में लिया जाता है, वह उस विद्युत ग्रह जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ताप विद्युत ग्रह जिसमें काले कोयले के स्थान पर भूरे कोयले का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है एक और दो, दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखो नीचे कौन सा हो जाएगा, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 51 नंबर प्रश्न। तो इसमें देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों लोग एवं नागरिकों दोनों, ठीक है। नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 52 नंबर प्रश्न है, नागरिकों सॉरी, निम्नांकित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो वो है दोस्तों राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति वो सदस्य नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। तो त्रुटिपूर्ण कथन को अपने को इसमें इंगित करना है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जबकि संघ की मंत्रिपरिषद उसे उद्घोषणा के लिए लिखित संसूचित नहीं करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 54 नंबर प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 55 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 56 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखो, उत्तर पूर्व मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। इसमें देखो नंबर 57 नंबर प्रश्न, किस समूह है कि खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों किस किस का करवाया गया था? तो इसमें इसका देखो, दिल्ली जयपुर उज्जैन मथुरा बनारस, इनका करवाया गया था दोस्तों। नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 58 नंबर प्रश्न है, विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश यानी कि प्रतिशत में है? तो विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या है वो राजस्थान में निवास करती है? तो वो है दोस्तों 1%। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेधा किसमें है? तो दोस्तों ये मेघा किसमें किसकी है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है मक्का की किस्में है ये सारी की सारी। नेक्स्ट नंबर 60 नंबर प्रश्न है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है, तो क्या विकसित किया जा रहा है? तो वो है दोस्तों खुसखेड़ा भिवाड़ी और निमराना, ये दो किए जा रहे हैं दोस्तों। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 61 नंबर प्रश्न है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है? तो दोस्तों किसमें है? तो वो है शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट NUEPA यानी कि न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे है? तो दोस्तों शैक्षिक योजना से। नेक्स्ट नंबर 63 नंबर प्रश्न है, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय था, तो इसका विषय क्या था? तो इसका बिना बोझ के शिक्षा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई, यहाँ बिना बोझ के शिक्षा है, ठीक है। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट है, विद्यालय परिषद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुई सर्वप्रथम क्रियान्वित, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो, DISE यानी कि डाइस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 66 नंबर प्रश्न है, स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, तो एक को किसको छोड़कर? तो वो है दोस्तों
शिक्षा मंत्री को छोड़कर, ठीक है, शिक्षा मंत्री को छोड़कर सारे होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 67 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का प्रचार प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, तो दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA के एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है, तो क्या प्राप्त करना चाहता है, तो वो है सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 69 नंबर प्रश्न है SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था तो किस वर्ष में, तो किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो वो है दोस्तों 2001 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने 1986 अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत स्काउट एवं गाइड्स को इस मानद रूप में चयनित किया, तो किस मानद रूप में, तो दोस्तों शांति दूत के रूप में चयनित किया था, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 71 नंबर प्रश्न है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थापित किया गया, तो यह कहाँ स्थापित किया गया था, सॉरी कब स्थापित किया गया था, तो 7 अगस्त 1961 को, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है नंबर 72 नंबर प्रश्न है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित वाक्य पढ़ें, तो दोस्तों कौन सा वाक्य इसमें सही है वो अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो KGBV आवासीय विद्यालय है, KGBV आवासीय विद्यालय है, तो दोस्तों KGBV आवासीय विद्यालय है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। KGBV में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और दोस्तों मैं इसमें डायरेक्ट आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, एक तो ये है और एक ये है, KGBV उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 6, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 73 नंबर प्रश्न, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया, तो कब अधिनियमित किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत की संसद द्वारा, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, तो कितने निर्धारित किए गए हैं, तो दोस्तों 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 75, इसमें देखो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है, तो दोस्तों कितनी है, तो वो है 75%, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज यह आज का पेपर था, ये पुराना पेपर था दोस्तों, ठीक है, 2014 का पेपर था जिसमें कुछ प्रश्न और इंक्लूड कर दिए गए थे जो करंट के, तो दोस्तों कल नया पेपर आएगा, वो भी आएगा शानदार लेवल का, ठीक है। तो अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।